हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे ट्रिक फॉर रेडॉक्स रिएक्शन। कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं इजीली, उसके लिए आज हम बात करेंगे। तो हम कुछ एग्जांपल देखेंगे इसके लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो फर्स्ट, अगर ऐसी एक रिएक्शन है हमारे पास, इट इज MnO4- प्लस As2O3 गिव्स Mn+2 प्लस AsO4-3। अगर इस तरह की एक रिएक्शन दी है, इसे बैलेंस करना है, तो फर्स्ट पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। तो मैं इसके लिए देखूं तो यहां पे मुझे Mn मिलेगा, वो होगा दैट इज +7। आर्सेनिक यानी एएस की अगर बात करें इसके लिए, तो ये मुझे मिलेगा दैट इज +3 एक आर्सेनिक के लिए। और एमएन तो उसके लिए है +2, और यहां पे अगर मैं फाइंड करूं तो वो मुझे मिल जाता है दैट इज +5। तो फर्स्ट मुझे ऑक्सीडेशन नंबर मिल जाएंगे। अब देखना है यहां पे, तो +7 में से एमएन जो है वो +2 हो रहा है, यानी कि इसके ऑक्सीडेशन नंबर में देखें तो गिरावट आ रही है, यानी कि वो डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है, तो +7 से +2 में, यानी कि इसमें देखें तो इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि ये वाली जो रिएक्शन जो होगी वो होगी रिडक्शन, यानी कि टोटल डिफरेंस है 5 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसे 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसमें बात करें तो +3 में से +5 हो रहा है, यानी कि इसमें देखें तो इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, और एक एएस के लिए इंक्रीज हो रहा है +3 से +5, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। और दो अगर आर्सेनिक की बात करूं तो ये जो है वो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो अब अगर हम देखें तो इसे 5 इलेक्ट्रॉन की जरूर है और ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। दोनों इक्वल हो जाएंगे तब ये रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज 4, और इसे ले लेते हैं दैट इज 5। तो इसे करने से पहले फर्स्ट Mn यहां पे एक है, यहां पे एक है, यहां पे आर्सेनिक दो है, यहां पे हम देखें तो एक है। तो पहले इसे दो करके फिर 5 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो अगर ये मैं देखूंगा तो ये इस तरह मिलेगा, That is MnO4- 4 से, यानी कि 4 MnO4 प्लस 5, तो 5 As2O3। उसके बाद Mn के लिए फिर से तो 4, यानी कि 4 Mn+2। फर्स्ट ये 2 है तो 2, और उसके बाद 5, यानी कि टोटल हो जाएंगे 10 As4-3। तो ये मुझे मिलेगा। अब अगर ये वाला रिएक्शन एसिडिक मीडियम के लिए, तो एसिडिक मीडियम के लिए अगर बात करें तो यहां पे 4 × −1, यानी कि इस तरफ अगर देखें तो चार्ज जो है वो -4 है, इस तरफ देखें तो 4 × 2 + 8, और 10 × −3 यानी −30 + 8, यानी कि इस तरफ जो है वो है −22। अब हमें एसिडिक मीडियम में H+ डालने हैं, तो H+ इस तरफ या इस तरफ ऐसे डालने हैं कि दोनों की साइड की बात करें तो वो इक्वल हो जाए। तो यहां पे -4 है, यहां पे -22 है, तो अगर यहां पे भी मुझे -4 लाना है तो उसके लिए मुझे टोटल इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, वो होंगे 18H+, और उससे आधे सामने की तरफ H2O मिलेंगे, यानी कि 9H2। तो ये देखे तो ये वाला जो इक्वेशन है वो अभी बैलेंस हो गया है। तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को, रेडॉक्स रिएक्शन को हम बैलेंस कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी तरह। सेकंड, अगर हमें दिया है इस तरह Cr2O7-2 प्लस C2O4-2 गिव्स Cr+3 एंड प्लस CO2 pH < 7। फर्स्ट एक क्रोमियम के लिए बात करें तो यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर हमें मिलेगा दैट इज +6, एक कार्बन के लिए दैट इज +3, यहां पे है +3,
और कार्बन के लिए यहाँ पे मिलेगा दैट इज प्लस फोर। तो ये हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया है। क्रोमियम में देखें तो प्लस सिक्स में से प्लस थ्री हो रहा है, यानी कि फिर से ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होगा यानी कि वो रिडक्शन है और रिडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो प्लस सिक्स में से प्लस थ्री यानी कि थ्री इलेक्ट्रॉन एक क्रोमियम के लिए। यहाँ पे सीआर टू है यानी कि इसको जरूर है टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन की। इसकी बात करें तो प्लस थ्री में से प्लस फोर हो रहा है यानी कि इंक्रीज हो रहा है और वो है ऑक्सीडेशन। एक कार्बन के लिए प्लस थ्री से प्लस फोर यानी कि वन, और दो कार्बन के लिए ये टोटल डोनेट कर सकता है टू इलेक्ट्रॉन। अब हम देखें तो ये दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये वाला जो है इसे सिक्स इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तीन से। तो इससे पहले फिर से यहाँ पे दो क्रोमियम है तो यहाँ पे टू, और यहाँ पे दो कार्बन है तो यहाँ पे टू आएगा, और फिर इसे तीन से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वाला जो इक्वेशन है हमें मिलेगा इस तरह से, Cr2O7 माइनस टू प्लस 3C2O4 माइनस टू गिव्स 2Cr प्लस 3 प्लस दो है तो फर्स्ट टू एंड देन मल्टीप्लाई इनटू थ्री, तो हो जाएगा 6CO2। तो ये हमें मिलेगा। अब चार्ज देख लेते हैं, तो चार्ज इस तरफ देखें तो 1 इंटू माइनस टू यानी कि माइनस टू, और 3 इंटू माइनस टू माइनस सिक्स, और माइनस टू इस तरफ है चार्ज दैट इज माइनस एट। इस तरफ देखें तो 2 इंटू प्लस थ्री यानी कि प्लस सिक्स है। अब दोनों तरफ इक्वल करने हैं और एसिडिक मीडियम के लिए एच प्लस हमें डालना है। एच प्लस ऐसे डालना है फिर से कि दोनों तरफ इक्वल हो जाए, तो दोनों तरफ इक्वल हो इसलिए माइनस एट है। अगर यहाँ भी प्लस सिक्स लाना है तो टोटल आठ और छ यानी कि टोटल 14 एच प्लस आएंगे, और इससे आधे इस तरफ होंगे यानी कि 7H2O। तो इस तरह ये जो है बैलेंस हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। अगर एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की रिएक्शन आ जाए तो क्या करना है? तो अगर ऐसी रिएक्शन है दैट इज Cu2S प्लस SO4 माइनस टू गिव्स CuO प्लस SO2। अगर ऐसी रिएक्शन दी है और pH लेस देन 7, तो इसके लिए अगर हम देखें फर्स्ट तो ये वाले कॉपर के लिए देखें तो ये वाला जो कॉपर है वो प्लस 1 है। सल्फर की बात करें तो ये है माइनस टू, ये वाला सल्फर देखें तो वो है प्लस सिक्स, यहाँ पे कॉपर देखें तो वो है प्लस टू, और ये वाला सल्फर है टोटल प्लस फोर। अब इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे बात करें, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज और डिक्रीज की बात करें तो प्लस वन कॉपर में से प्लस टू हो रहा है यानी कि यहाँ पे कॉपर इंक्रीज हो रहा है यानी कि ऑक्सीडेशन है। प्लस वन से प्लस टू, एक कॉपर के लिए प्लस वन आ रहा है तो दो कॉपर के लिए प्लस टू यानी कि ये दो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसकी कैपेसिटी टू इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की है। ये वाले सल्फर की बात करें तो माइनस टू में से हो रहा है प्लस फोर यानी कि इसकी कैपेसिटी है दैट इज सिक्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। ये वाले सल्फर की बात करें तो प्लस सिक्स में से प्लस फोर हो रहा है यानी कि ये डिक्रीज हो रहा है, और ये रिडक्शन है यानी कि इसको चाहिए है टू इलेक्ट्रॉन। अगर हम टोटल बात करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं वो है 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और चाहिए है 2 इलेक्ट्रॉन। तो इक्वल करने के लिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर हम इसके लिए देखें तो फर्स्ट Cu2S वो वैसे का वैसा आएगा, प्लस इसे 4 से मल्टीप्लाई यानी 4SO4 माइनस टू। अब देखें तो कॉपर के सामने कॉपर तो फर्स्ट 2CuO, क्योंकि यहां पे दो कॉपर है तो ये 2 आएगा। सेकंड ये वाले सल्फर के लिए ये वाला सल्फर, तो इसमें देखें तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है यानी कि इसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो ये SO2 वैसे का वैसा, और ये वाले सल्फर के सामने भी SO2 है लेकिन उसमें 4 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो दूसरा एक SO2 लिखना है वो होगा 4SO2। ये वाला जो है याद रखना है कि यहाँ पे दो SO2 आएंगे, ये वाला SO2
इस सल्फर के लिए और ये 4SO2 ये वाले सल्फर के लिए। अब टोटल देखें तो हमें इक्वेशन जो मिलता है उसके बेसिस पे देखें तो यहाँ पे 4 × −2 यानी कि इस तरफ −8 है और इस तरफ देखें तो कोई आयन नहीं है यानी कि इस तरफ देखें तो 0 है। तो अगर −8 है तो 0 लाना है एसिडिक मीडियम के लिए, तो −8 और +8 0 हो जाएगा यानी कि इस तरफ हम लिख सकते हैं दैट इज 8H+। तो इससे आधे H2O इस तरफ होंगे यानी कि 4H2O। तो इस तरह से ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गया है और इसको हम साथ में भी लिख सकते हैं SO2 और 4SO2 यानी कि 5SO2 भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये वाला जो है ये हमें बैलेंस इस तरह मिलता है। तो हमने देखा है कि ये एग्जाम्पल में कि कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं H+ के साथ H2O के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।